Hi everyone, welcome to the new series of covering all the chapters of geography, class 9th, contemporary India. This is chapter 1, India, size and location. So, here is the brief content as to what we will be reading in this chapter. The first topic is location. So, India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere, which means above the equator. So, that I will clear showing the picture here. सी स्टूडेंट यू कैन सी ओवर हेयर दिस इज द इक्वेटर लाइन एंड दिस डि इंडिया इंटू सॉरी द वर्ल्ड इंटू टूल हेमीस्फियर सो द अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज नर्दर्न हेमीस्फियर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द इक्वेटर लाइन इज नोन एज सदर्न हेमीस्फियर तो हम जानते हैं ये इक्वेटर लाइन है ये इंडिया को दो सॉरी नॉर्थ इंडिया द होल वर्ल्ड को जो पूरी अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है जो अपर पार्ट है वो नर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है तो अगर हम देखें तो ये नर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इंडिया यहाँ कहाँ लाई करती है इस तरह से हम देखते हैं ये येलो पार्ट में हमारी इंडिया है और इंडिया कहाँ लाई करती है इंडिया लाई करती है कंप्लीटली नर्दर्न हेमिस्फीयर में सो लोकेशन इज क्लियर टू यू कि इंडिया कहाँ लाई करती है इंडिया लाई करती है नर्दर्न हेमिस्फीयर में अब बिफोर वी गो अहेड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटी टू मेक इट आउट विच इज नर्दर्न हेमिसफियर एंड विच इज सदर्न हेमिसफीयर सो नाउ लेट एस सी जो लाइने लॉन्ग रहती हैं ऐसे स्ट्रेट ये वाली लाइने दे आर नॉट स्ट्रेट दे आर लिटिलीज कर्व्ड लाइन्स विच आर लाइक दिस तो ये क्या कहलाती हैं ये कहलाती हैं लॉन्गी एंड डीज लाइन्स डीज लाइन्स

साइड्स को हम नॉर्थ नर्दर्न हेमिस्फीयर में ही काउंट करेंगे और हम इधर से देखते हैं तो ये कहाँ से एक्सटेंड करती है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट अभी ईस्ट कैसे है क्योंकि ये हम पूरे के पूरे ईस्ट में ही लोकेट होते हैं एंड व्हाट इज दिस दिस इज लाइन व्हिच इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस डिवाइड इंडिया इंडिया टू टू इक्वल हाफ्स तो ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ पार्ट कहलाता है और ये ये सब ट्रॉपिकल पार्ट कहलाता है और ये ट्रॉपिकल पार्ट कहलाता है और अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादातर किससे जुड़ा हुआ है वाटर बॉडीज से जुड़ा हुआ है सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया तो इसमें एक चीज और समझनी है आपको कि हमारा ये वाला क्या है ये वाला पार्ट क्या है ये है साउथ ईस्ट रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज साउथ ईस्ट पार्ट हियर वी कैन फाइंड आउट दैट वी हैव अंडमान एंड निकोबार दिस इज नोन एज बे ऑफ बेंगाल एंड दिस पार्ट दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट पार्ट एंड हियर वी फाइंड दैट वी हैव लक्षदीप आईलैंड विच इज देर नियर अरेबियन सी सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया अब एक चीज और यहां मैं आपको बताती चलू देर इज जो सदर मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया का वो क्या कहलाता है यूनियन कहलाता है तो वो क्या है इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर एंड हाउ इट बिकेम टोटली अवे फ्रॉम द मेन लैंड मास तो हुआ क्या था इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी दैट वाज द रीजन वी कैन फाइंड आउट दैट दिस बिकेम द एक्सटर्नल पार्ट नाउ वी टॉक अबाउट द टोटल एरिया सो इंडिया कवर्स 3. To 8 million square meter so remember 3.28 million square kilometer is the geographical area which is 24% share and india is the seventh largest country in terms of area which are the other countries that are bigger than india so let us see i will show you you can see here india and you can see here russia

रशिया कनाडा, यूएसए चाइना ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ यू टॉक अबाउट दीज लैंड बॉर्डर थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर ये भी हमने इसको ये भी नापा गया है तो ये कितने हैं कोस्ट लाइन्स कितनी हैं? सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर्स डू वी फाइंड ऑन द टॉप यहाँ हमें क्या मिलते हैं माउंटेन्स मिलते हैं प्लेट्यूज भी हैं वो इंडिया में हमें मिलते हैं ना यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस इज जो कि इंडिया के एट स्टेट्स से होकर निकलती है तो सबसे पहले गुजरात देन हियर लिटिल बिट पार्ट ऑफ राजस्थान देन मध्य प्रदेश देन छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम दिस इज हाउ इट मेक्स

एंड इट इज नोन एज साउथ एशियन कंट्री इन दर्ल्ड अब देखिए ये वाला पार्ट ये पार्ट जो है वो पूरा का पूरा क्या है दिस इज नोन एज पेनसुला वी नो दैट दिस पार्ट इज नोन एज पेनसुला तो क्या है ये हमारे लिए क्या बन गया है ये एक रूट सी रूट के लिए ईजी हो गया है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एरिया कवर्ड विद वाटर देन इट इज इजी टू मेक रिलेशनशिप विद दर्ल्ड And the contacts are made through the passes and the ocean. So this ocean, this water body, helps us to connect with the world. So ye jo hai, these have contributed to bring a lot of things to back to India, just say holly books, ho hi, spices, ho ga, muslin. Ho so this all we read also. So these all were introduced around the world and from the world to India as well. So this is how the location is very much favorable for the country so we know that deccan peninsula protrudes indian ocean providing long coastline in this region and this helps to establish close relationship with west asia africa europe and east asia so this is how india is connected with the world so students we will be covering till here another part of the chapter i'll cover in next video till then take care